लुक एट दिस प्लेस, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सौरभ आज यार बैठा कहाँ पे है, ये कौन सी जगह है, कोई साईफाई मूवी है या फिर कोई स्पेसशिप में बैठा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं बैठा हुआ हूँ मुंबई के अर्बन पॉड स्टे में, जो कि एक बहुत ही मॉडर्न स्टे है, और आपको मैं आज बताने वाला हूँ कि ये कितना औसम है, यहाँ पे आप कितना मस्त स्टे कर सकते हैं मुंबई आने के बाद, और सारे की पॉइंट से ये आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत ही अच्छा स्टे आपको ये प्रोवाइड करने वाला है। सो देखते हैं यहाँ पे हमें और क्या क्या मिलेगा, क्यूरियोसिटी क्रिएट हो रही है ना ये सब देख के, लग रहा है ना ये क्या है, तो आपको देखने का मौका मिलेगा ये जगह को, और जब आप मुंबई में आओगे तो आपको ये जगह को फील करने का भी मौका मिलेगा। सो लेट्स गो अहेड, यहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिलता है तो ये सब हम आज एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए आखिरी तक, वॉच टिल द एंड, आपको बहुत मजा आने वाला है, आपको बहुत इंफॉर्मेटिव भी लगने वाला है ये वीडियो। सो हैव अ गुड टाइम, बी विथ मी एंड एक्सप्लोर द अर्बन पॉड। तो दोस्तों मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ लॉन्ज एरिया में अर्बन पॉड के, आप अपने पॉड से बाहर आके यहाँ पे बैठ सकते हैं जितना देर आप चाहें, अपने दोस्तों के साथ अपने फैमिली के साथ यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो ये काफ़ी स्पेसियस है, मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है ये। तो अभी मैं आपको बता दूँ कि आप किस तरह से इस पॉड में बुकिंग कर सकते हैं। जनरली जब आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं एक्सप्रेस ट्रेन का, तो आपको मिलता है PNR नंबर, और अगर आप मुंबई में आ रहे हैं तो वो PNR नंबर के थ्रू यहाँ पे आके आप चेक इन कर सकते हैं और वहाँ से आप बुक कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं और यहाँ पे स्टे करना चाहते हैं, तो आप एयरपोर्ट से बाय लोकल यहाँ पे आ जाइए, और उसमें जो लोकल का टिकट रहेगा उस पर UTS नंबर रहेगा, UTS नंबर के थ्रू आप यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना पॉड बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप का स्टे अवेलेबल है, जैसे एक 12 आवर्स का और एक 24 आवर्स का, तो आप जिस तरह से आपके कन्वीनियंट के हिसाब से बुक कर सकते हैं। 12 आवर्स का जो स्टे है वो कंपैरेटिवली रीजनेबल है कंपेयर टू 24 आवर्स के स्टे के हिसाब से, तो ये मेरे को एक बहुत अच्छी चीज़ लगी कंपेयर टू जो ट्रेडिशनल होटल है उनके कंपेयर में। तो वहाँ पे अगर आप रुकेंगे तो अराउंड 24 आवर्स का चेक इन चेकआउट टाइम रहता है, उसके हिसाब से वो चार्ज करते हैं, जो कि यहाँ पे नहीं होगा। तो दैट इज़ अ सुपर ऑप्शन इन अर्बन पॉड। तो इसके साथ साथ हम आगे देखते रहेंगे कि हमें यहाँ पे क्या क्या और मिलने वाला है, तो बने रहिए वीडियो में, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिलने वाले हैं।
आपके जो जो एरिया में आपको अलॉटेड है, जैसे आपका स्टोर एरिया हो गया जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हो, और अपना जो पॉड हो गया, ये दोनों का एक्सेस आपको यहीं से मिलेगा। तो सबसे पहले जो यहाँ का प्रोसीजर रहता है वो ये है, आपको अपने शूज़ जो है वो ये जो शूज़ एरिया है यहाँ पे निकालना है, जो कि रिसेप्शन के जस्ट बाजू में है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो एक्सेस कार्ड है, इससे आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो अपने जगह पे। पहला जो डोर है यहाँ पे एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपके लिए ओपन ही रहेगा। उसके बाद आप जब पहुँचोगे तो यहाँ पे है लॉकर्स प्रोवाइडेड, और आपके की के हिसाब से आपको एक लॉकर अलॉटेड है। तो मेरा जो लॉकर है वो है 7007। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 7007 वाला लॉकर है, तो यहाँ पे मैं इसको ऑन करता हूँ। तो मैंने अपने शूज़ यहाँ पे रख दिए हैं, सबसे पहले मैंने सिर्फ यहाँ पे शूज़ रखे हैं। अलग जो लगेज एरिया है वो मेरे को दूसरी जगह मिलेगा अपने पॉड के बाहर। तो मैंने इसको बंद कर दिया और इंश्योर कर लिया कि लॉक है। हाँ, ये लॉक्ड है, इट्स कम्प्लीटली सिक्योर। अब मैं यहाँ से निकलूँगा और जाऊँगा अपनी पॉड की तरफ, और आपको दिखाऊँगा कि वो कैसा लगता है। तो यहाँ से आप स्टेयर से ऊपर जा सकते हो। दिस इज द फ्रंट डोर। यहाँ पे आपको अपने एक्सेस कार्ड से अंदर जाना है। देखिए, तो आपके लिए ये नीला लाइट जो जल गया उसका मतलब आपको एक्सेस मिल गया। तो दोस्तों यहाँ पे है आपका कबर्ड एरिया, जो कि आपके पॉट के सामने रहेगा। तो यहाँ पे आप अपने बिलोंगिंग्स, अपने सामान रख सकते हो। तो ये जो है, ये जो एक्सेस कार्ड है, यही यहाँ पे आपको सामान रखने का एक्सेस है। तो यहाँ पे मेरा जो कबर्ड है वो मुझे अलॉट किया गया है अपने कार्ड के हिसाब से 7007। तो मैंने इसको इस तरह से ऑन किया और यहाँ पे मैंने अपना सामान रख दिया है। सो इट्स एम्पल स्पेस वेर यू कैन कीप योर लगेज, ओके, एंड दैट्स गुड इनफ फॉर आपके पास अगर एक या दो बैग है। तो कमिंग टू माई पॉड, दिस इज 07 नंबर पॉड, दिस इज माई पॉड वेर आई विल बी स्टेइंग, जहाँ मैं स्टे कर रहा हूँ एक्चुअली। तो ये आपको एक्सेस देगा आपके पॉड के लिए। तो फिलहाल आप देख रहे हो अंदर में पूरा अंधेरा है, क्योंकि ये कार्ड जो है ये पावर पर सप्लाई आपका ऑन करता है। मैं ऑलरेडी यहाँ पे रह रहा हूँ, तो मेरे कुछ सामान यहाँ पे है, लाइक हेडफोन्स, वाटर बोतल। तो अब मैं अंदर जा रहा हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि ये आपको किस किस चीज़ का एक्सेस यहाँ पे मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं अपना कार्ड अंदर इसको पंच कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लाइट्स ऑन हो गई है, जो इंडिकेशन लाइट्स है वो, तो आपको पता चलेगा कि आपने सक्सेसफुली कार्ड को इंसर्ट करके पावर ऑन कर लिया है। तो अब जाके मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सेफ्टी का। अब मैं यहाँ पे पहले लाइट्स ऑन करता हूँ। यहाँ पे जो पहली लाइट है वो मिरर लाइट है, सबसे पहले आप मिरर लाइट ऑन कर लो, ठीक है। उसके बाद जाके अगर आपको और भी ज़्यादा रोशनी चाहिए, देन यू हैव रीडिंग लाइट, इसको भी आप ऐसे इजीली ऑन कर सकते हो, कम्प्लीटली टच बेस्ड। उसके साथ साथ पहले मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे है फायर एक्सटिंग्विशर। बहुत ज़रूरी होता है कहीं पे भी जब आप रह रहे हो तो, फायर प्रोटेक्शन के लिए। तो यहाँ पे रूल्स लिखे हुए हैं अर्बन पॉड के, कि आप अपना सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है, आप यहाँ पे धूम्रपान मत करें, नो स्मोकिंग कम्प्लीटली। अगर आप सिगरेट जलाते हो, आपको तलब लगती है, तो भाई यहाँ पे स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है, इमीडिएटली अलार्म बज जाएगा। सो गाइस, बी अवेयर, मत करना ऐसा प्लीज़। तो अब आते हैं अपने मिरर लाइट, जैसे मैंने आपको बताया मिरर लाइट ऑन कर लिया था मैंने जब अंदर आया था। तो दैट इज़ स्लिप स्विच, ओके। यहाँ पे आपको हेडफोन प्लग है, हेडफोन प्लग इसलिए मैं आपको बताता हूँ, यूएसबी प्लग है। अगर आपको कुछ चार्ज करना है, या फिर जैसे मैं यहाँ पे अपना ब्लूटूथ
हेडफोन चार्ज कर रहा हूँ तो मैंने यूएसबी में लगा दिया है, क्योंकि जो मोबाइल चार्जिंग पॉइंट है वो यहाँ पे मेरा ब्लॉक है, तो यूएसबी चार्जर पॉइंट है यहाँ पे। स्लिप मोड ऐसा है कि आप जब रात को सोओगे एक ही बटन से आपकी सारी लाइट्स ऑफ हो जाएगी, लाइक दैट। आपको सारी लाइट्स ऑफ नहीं करनी पड़ेगी, वन बाय वन आप एक ही बटन ऑन करो वो सब लाइट ऑफ कर देगा। तो आई एम स्विचिंग इट अगेन, मतलब मुझे पूरी लाइट जलानी पड़ेगी फिर से। ये आपका चार्जिंग पॉइंट है 220 वोल्ट पावर सप्लाई के लिए, ओके। तो उसके साथ साथ ये जो है आपका रीडिंग लाइट है, अगर आप मिरर लाइट ऑफ रखना चाहते हैं रात को, अगर आप कुछ स्टडी करना चाहते हैं या फिर आप कोई जो नोवेल है वो पढ़ना चाहते हैं, कुछ अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर रीडिंग लाइट है। और यहाँ पे एयर आउटलेट है, अगर आपको सफोकेशन फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो एयर है वो डिस्चार्ज करना चाहिए बाहर के लिए, तो एयर आउटलेट यहाँ पे है। और एडिशनल हेडफोन प्लग है यहाँ पे, और दूसरा यूएसबी चार्जर यहाँ पे है, और ये डोर लॉक है। इसको आप डोर लॉक करने के बाद जब इसको अनलॉक करना चाहते हैं या डोर लॉक करना चाहते हैं, इस बटन को आप प्रेस कर दे सकते हैं। तो दीज और ये आपका सामने जो है ये है मिरर, या आप तैयारी करना चाह रहे हैं, आप निकलना चाह रहे हैं, तो ये एक मिरर आपको प्रोवाइडेड है आपके पॉड के अंदर। और अदरवाइज़ जो अपना इससे बाहर निकलेंगे तो दो अपना चेंजिंग रूम है, तो वो भी यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड है, आप ताकि तैयार होके अपने जगह पे निकल सकें, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट, आई विल शो यू अगेन। तो ये ऐसा दिखता है, दैट इज़ वेरी मच मॉडर्नाइज। एक्चुअली ये पूरा जो पॉड का कंसेप्ट है दैट केम फ्रॉम दैट ओरिजिनेटेड इन वेरी स्मार्ट नेशन। यहाँ पे टीवी भी है जो मैं आपको बताना भूल गया था, तो यहाँ पे आप टीवी को ऑन कर सकते हैं इस तरह से, और टाटा स्काई का कनेक्शन है, तो आप टीवी जब देखोगे तो आपको हेडफोन काम में आएगा, ठीक है। तो ये हेडफोन उसके लिए ही कनेक्टेड है, तो आप इसको लगा लेने के बाद एक अमेजिंग पोस्चर पे बैठ के आप टीवी का व्यू एंजॉय कर सकते हो। मैंने डोर ओपन रखा है, कोई बात नहीं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ देख लिए हम जहाँ पे स्टे करने वाले हैं, तो वॉशरूम कहाँ है? तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि वॉशरूम आपको किस डायरेक्शन में जाना है। यू विल गो टू द ग्राउंड फ्लोर, मैं भी ग्राउंड फ्लोर पे जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो वॉशरूम्स है, अराउंड 15 वॉशरूम प्रोवाइडेड है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वॉशरूम एरिया है, 15 वॉशरूम यहाँ पे है, कॉमन वॉशरूम है। तो यहाँ पे बहुत ही क्लीनिनेस और हाइजीन और सैनिटाइजेशन मेंटेन किया हुआ है, आप देख सकते हो। आपका जो बाथिंग स्पेस है वो अलग है, और आप फ्रेश वगैरह होना चाहते हो तो यहाँ पे हो सकते हो। और मैंने 2 दिन से एक्सपीरियंस किया है, एक कम्प्लीटली मुझे क्लीन ही मिला है हर टाइम, और हाइजीनिक मिला है। तो ये वैसी वाली फीलिंग नहीं देगी आपको कि कॉमन में है तो कैसा लगेगा, वैसा वाला कुछ भी नहीं लगेगा आपको। ऑप्शंस अवेलेबल हैं ताकि आप कॉल कर सको किसी भी पॉइंट पे। तो यहाँ पे वॉश बेसिन सब देख सकते हैं, सैनिटाइज्ड है, एकदम प्रॉपरली मेंटेन्ड है, और बार बार इसकी पीरियडिकल क्लीनिंग होती है। तो दिस इज़ अ सिंगल पॉड अवेलेबल हेयर फॉर डिसेबल्ड पर्सन, स्पेशली एबल्ड पर्सन। तो यहाँ पे बेड टाइप से ये जगह दिया हुआ है, आप एक जो आ रहे हैं उनके साथ आप रुक सकते हो। हाँ, ये हैंडीकैप के लिए है। तो यहाँ पे ऐसा एक ही पॉड अवेलेबल है जो एक बेड टाइप का दिख रहा है, जैसे आपके होटल में रहता है। और आपको यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, टीवी मिलेगा आपके लिए, एयर कंडीशनड है, एयर कंडीशनिंग करने के लिए, और लॉकर है गोदरेज का जहाँ पे आप अपने इंपॉर्टेंट बिलोंगिंग्स रख सकते हो। तो ये था अपना स्पेशली एबल्ड पॉड, तो लेट्स गो टू अदर पॉड्स एरिया। तो ये फैमिली पॉड है, यहाँ पे एक रूम में 4 पॉड्स है, अगर आप अपने फैमिली के साथ आना चाहते हैं यहाँ पे उस तरह से आप रह सकते हैं, लाइक दैट। यहाँ 2 पॉड है, एक पॉड से आप ऊपर स्टेयर से ऊपर जा सकते हैं, और यहाँ पे भी वैसे ही आइडेंटिकल अलग 2 एरिया है। तो एक रूम में ये टोटल 4 पॉड है, क्लासिक कैटेगरीज के पॉड है। तो ये आपको जो बेसिक चार्ज है क्लासिक का वही पे करना पड़ेगा। तो इसमें मैं दिखा देता हूँ कि आपको सेम फैसिलिटीज़ जो क्लासिक पॉड में हर जगह पे मिलती है वो वही है, यहाँ पे बस एक रूम में 4 पॉड है। और इसके साथ साथ आप अंदर से देख सकते हो, यहाँ पे हम देखते हैं काफ़ी स्पेस है,
आपको लॉकर एरिया भी यहाँ पे मिल जाता है, चार अलग अलग लॉकर से यहाँ पे अपने सामान को रखने के लिए, अपने बिलोंगिंग्स को रखने के लिए। और यहाँ पे मिरर है, तो आपको चेंजिंग रूम में जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आप अपना ड्रेसअप करके तैयार होकर बाहर निकल सकते हो। ओके, तो आई विल शो यू द प्राइवेट पॉड। तो ये है प्राइवेट पॉड, जहाँ पे आपको एक रूम में एक पॉड मिलेगा। जो फैसिलिटीज़ है वो बेसिक जो है वो सेम है जो मैंने आपको अभी बताया था। और यहाँ पे आपको अलग अलग स्पेस है, ठीक है। आप ये एक कमरे में एक पॉड आपको मिल रहा है, जैसे मोनोपॉड जैसा है। यहाँ पे आपको स्पेस भी मिल रहा है, अपने सामान आप अपने सामने रख सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्राइवेट पॉड। तो ये जो है, ये 8000 जो गेट है, ये अंदर में लेडीज़ पॉड के लिए है, जो एक्सक्लूसिवली लेडीज़ के लिए है। सो यू विल फील कम्प्लीटली सेफ एंड सिक्योर एंड कम्प्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम जनरल पॉड। सो ये वुमेंस की सेफ्टी के कंसिडरेशन से बनाया गया है, उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के हिसाब से। और चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा है, सीसीटीवी सर्विलेंस है, तो यू डोंट नीड टू बी वरी। ये गेट के ऊपर भी एक सीसीटीवी कैमरा हमको यहाँ पर दिख रहा है। तो वही सेम फैसिलिटी है, क्लासिक पॉड है, बेसिक जो फैसिलिटी वो सेम है, बस दिस इज डेडिकेटेड टू डेडिकेटेड स्पेस फॉर द वुमेन। मोनोपॉड्स एरिया, वाह क्या लग रहा है यार देखने में। नाउ कमिंग टू फूडिंग पार्ट, यहाँ पे फूडिंग का कोई अरेंजमेंट नहीं है, बट व्हेन यू आर स्टेइंग इन मुंबई सेंट्रल, आप बाहर निकलो आपको कितने सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्टेशन के अंदर ही है। और आप नीचे जाते हो तो आपको काफ़ी सारे रेस्तरां मिल जाएंगे, जहाँ पे आप अपना नाश्ता खाना ये सब कर सकते हो। और अगर आप बाहर खाना चाहते हो तो आजू बाजू में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट है, प्योर वेज नॉनवेज सब कुछ है, बहुत अच्छा है, फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। और एक न्यू कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है, ये कॉन्सेप्ट हमने अभी तक आज तक कहीं नहीं देखा, तो फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। वैल्यू फॉर मनी है, इतने अमाउंट में मुझे नहीं लगता है कि आप मुंबई में कहीं पर भी इन फैसिलिटीज़ के साथ स्टे कर पाएंगे, तो मेरे हिसाब से बेस्ट है। बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पर बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है और बहुत सुंदर बना हुआ है, एकदम नए लुक में, नए डिज़ाइन में, और बहुत कम बजट में बहुत अच्छी चीज़ है जो कि मुंबई में कहीं नहीं मिलेगी। मैं अगली बार दोबारा फिर यहाँ पे आऊँगा और भी दो चार लोगों के साथ, फ्रेंडों के साथ, फिर मैं यहाँ के एंजॉयमेंट करूँगा। तो दोस्तों, मेरे को लगता है आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ के बारे में पता चला होगा। तो आप यहाँ पे ज़रूर आइए, ये जगह को एक बार ट्राई करिए, एक्सपीरियंस किए करिए मॉडर्नाइज स्टे को, उसके साथ ये आपके बजट में भी रहेगा। और ये लोकेशन प्रॉपरली लोकेटेड है मुंबई सेंट्रल में, तो आप कहीं पे भी आधे घंटे में पहुंच सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। जो 80% व्यूअर्स जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज़ कर लो ना सब्सक्राइब, मज़ा आता है यार वीडियो बनाने में, अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो सुकून देता है मेरे मन को। तो अपने दोस्तों से जो मुंबई आना चाह रहे हैं तो उनसे वीडियो शेयर करें, ताकि उनको एक काफ़ी हेल्पफुल लगे। मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कोई मेरे को ये बताए कि यहाँ पे अर्बन पॉड जैसा ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं रहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अगली बार भी जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो यहीं पे रुकने वाला हूँ। और उसके साथ साथ और अच्छे रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए, घूमिए फिरिए, बट ध्यान रखिए अपने हेल्थ का, सारे प्रिकॉशंस मेंटेन रखिए। हैव अ गुड टाइम, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।